आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। उसको आप साथ देना है मेरे साथियों। क्या कहना है आपको? मैं जो भी बोलूंगा उसमें आपको इतना ही कहना है, मानव मानव एक समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? सब लोग बोलो मेरे साथियों, जिसके बदौलत हम जीते, पहनते, पढ़ते और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनते, उसके लिए ताकत से जो दिल से बोलता है तो दिल से बाबा साहब का और सम्राट अशोक और बुद्ध का काम करता है। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? बुद्ध धर्म की क्या पहचान? बाबा साहब की क्या पहचान? इधर महिलाओं का हाथ ही नहीं उठ रहा, ऐसा ललकारना चाहिए तलवार की तरह। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? सम्राट अशोक की क्या पहचान? क्रांतिबा फुले की क्या पहचान? बिरसा मुंडा की क्या पहचान? साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं। मैं जैसे आज डॉक्टर है ना, ऑपरेशन करता है, और एनेस्थेसिया वाला बहुत पर्दे के पीछे में रहता है, तो मैं पूरे संसार को अपने ही जगह खड़े करके ये संसार के सारे लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं तालियों से। और मैं जब हाथ ऐसा ऊपर करूंगा तब रोकना है। और हमारे अनिरुद्ध और अपने पाटिल साहब सामने आइए थोड़ा। आपके टीम ने बहुत बड़ा काम किया मेरे साथियों। पाटिल दोपहर जी आइए, आइए सभी, आप आओ भाई आओ, जोर से स्वागत से अपने ही जगह पर खड़े होकर तालियों से बौछार करो मेरे साथियों। ये पूरे संसार के लिए है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए है। थैंक यू मेरे साथियों। साथियों, गगन मलिक साहब ने भारत में आके बुद्ध धर्म की ललकार को आसमान तक पहुंचाया, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अपने देश में, जापान है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, लेकिन जो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म में हमें दिया है, वो क्रांति की वजह से आप और हम अमन चैन और सुख से जी रहे हैं मेरे साथ। और बुद्ध की मूर्ति क्या बताती है आपको? स्टैंड है, चट्टान की तरह झुकती नहीं, और बीच में बिंदी है, वो ज्ञान चक्र है, और अपने आप को सक्षम बनाने वाला बुद्ध की मूर्ति है मेरे साथी। ये मूर्ति जिन लोगों के घरों में है, खबरागढ़ साहब, ये मूर्तियां जिन लोगों के घरों में है, बहुत सारे लोगों के घरों में बुद्ध की मूर्तियां है, बाबा साहब की मूर्तियां है, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मूर्तियों के पास से हमको कुछ सीखना है। सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला, पूजा पाठ के साथ में आप YouTube देखते होंगे, जापान के लोग, थाईलैंड के लोग, कंबोडिया के लोग और चाइना के लोग वॉरियर पैदा करते हैं, वॉरियर, और उनका उनका हेड रहता है मॉन्क जैसा, भंते जैसे, और लड़ना भी सिखाते, अपने आप को बचाना भी सिखाते। बहुत हो गया हमारा कत्लेआम, और इसलिए हमको सजग रहना है मेरे साथियों। यहां पे सांची है, सांची से सम्राट अशोक ने सबसे पहले धम्म का प्रचार और प्रसार किया, और विदिशा से अपने
संगमित्रा और मिलिंद को श्रीलंका में भेजकर वहां पे बुद्ध धर्म का फैलाव किया है मेरे साथियों, और इसलिए सारे दुनिया की ताकत, बुद्ध धर्म की ताकत जब तक का भारत के बौद्धों के पीछे चट्टान की तरह नहीं रहती, और पूरे देश से हम पर होने वाले जुल्म और अन्याय अत्याचार के लिए पूरे दुनिया से बुद्ध की ताकत आवाज नहीं करती, तब तक का तुम्हारे ऊपर में होने वाले जुल्म अन्याय अत्याचार खत्म नहीं होगे मेरे साथियों। अरे विक्रमादित्य विद्यापीठ था, नालंदा विद्यापीठ था, तक्षशिला विद्यापीठ था, यहाँ पे दुनिया के आए हुए इंटेलेक्चुअल चाइना से आए हुए थे, जापान से आए हुए थे, चीन से आए हुए थे, हमारे श्रीलंका से आए हुए थे, और वो नालंदा में सारे विद्वान लोग पढ़ते थे और उनको मजबूत किया जाता था। अगल बगल के गांव वो विद्वानों को फ्री में खाना देते थे और दिन रात मेहनत करके ज्ञान हासिल करते थे और देश में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे मेरे साथियों। और मैं संसार का तहे दिल से स्वागत करता हूं, यहां पे सम्राट अशोक की भूमि है, यहां से महू है जो बाबा साहब की जन्मस्थली है, और तो और पूरे महाराष्ट्र में साहू महाराज है, क्रांति बाप फुले है, ऐसे भूमि में ये जो लोग को हमको समझाना पड़ेगा।